सरजू नदी के पास में है एक सरदा गांव, इसी नगर में ही हुए छत्री गंगाराम। सरदा गांव में एक ठाकुर गंगा राम जी निवास करते थे और गंगाराम की पत्नी का नाम कमला था। इसी कमला के गर्भ से जगजीवन साहब का अवतार होता है। जब बाबा जगजीवन साहब की 3 साल की अवस्था हो जाती है और 3 साल की उम्र में बाबा जगजीवन साहब घाघरा नदी के किनारे पर जाकर के आसन को लगा करके ध्यान मगन होकर के वो बाबा जगजीवन साहब भगवान की भक्ति करने लगे। और जब बाबा जगजीवन साहब भगवान की भक्ति करने लगे, भजन भगवान का करके बनू भगवान का प्यारा, वो बाबा जगजीवन साहब आसन को लगाए बैठे, उनका ध्यान भगवान के चरणों में है। भजन भगवान का करके बनू भगवान का प्यारा, भक्त ये सा बनू एक दिन हमें देखे गजब सारा। जगजीवन साहब 3 साल की अवस्था से भगवान का भजन शुरू कर दिया और धीरे धीरे बाबा जगजीवन साहब बड़े होने लगे। और बाबा जगजीवन साहब की रूप रेखा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक हाथ में कंठी माला है, जीवन साहब अब धीरे धीरे भजन करते रहे और धीरे धीरे बाबा जगजीवन साहब 18 साल के है गए रे जगजीवन संती अब तारी, और गंगा राम से कई रही रे कमला सी वो नारी। समय 18 साल के बाबा जगजीवन साहब हो जाते हैं तो वो कमला मां अपने पति ठाकुर गंगाराम से बोली, मेरे नाथ रही हूं तुमको मैं समझाई और जवान अवस्था लला की है गई कर देव सैया ब्याह, मेरे साजीना लगी जाएगी मेरी
बाबा जगजीवन साहब के बारे में कमला मैया ने अपने पति ठाकुर गंगाराम से कहा कि बेटा जवान हो गया, जल्दी से बेटा का विवाह कर दो। ठाकुर गंगाराम ने जब अपनी पत्नी के शब्द सुने और पत्नी के शब्द सुन करके कहा, तुम ठीक कहती हो, जवान अवस्था किसी की ठीक नहीं होती है। और उसी समय ठाकुर गंगाराम जी ने क्या किया, अपने बेटा जगजीवन साहब का विवाह तय कर दिया और बड़े धूमधाम से बाबा जगजीवन साहब का विवाह हो जाता है। जब ठाकुर गंगाराम ने जगजीवन साहब का विवाह कर दिया तो एक मोतिन नाम की नारी घर में आती है। जगजीवन साहब की पत्नी मोतिन नाम की नारी घर में आई, मोतिन नाम की सुकन्या देवी घर में आ जाती है। पतिव्रता मोतिन देवी है, पति चरणों में ध्यान लगाती है। ससुर की कर से बापो नारी ऐसे कहती है, इधर वो पतिव्रता नारी मोतन जो है जब घर में आती है और बस अपने पति की सेवा में लग जाती है। और बाबा जगजीवन साहब अपनी पत्नी के सहित बड़ी अच्छी तरह से निवास कर रहे हैं। अब तो बाबा गृहस्थ जीवन को भोगने लगे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और धीरे धीरे उस मोतिन के गर्भ से सबसे बड़ा बेटा शोभादास और वल्लादास, प्रतापदास और अनंतदास, और सबसे छोटा बेटा जलालीदास। इस तरह से बाबा जगजीवन साहब के 5 पुत्र पैदा होते हैं। जब बाबा जगजीवन साहब के घर में 5 पुत्र आते हैं और सबसे बेटा बड़े शोभादास जी, जो शोभादास जी जब दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो शोभादास जी का अंतिम संस्कार घाघरा नदी के किनारे पर, घाघरा नदी के पास में उनकी समाधि को बनवा दिया जाता है। शोभादास के अलावा अनंतदास, पत्तादास, भक्तों ये 3 पुत्र और दुनिया को छोड़ करके चले गए। एक बेटा, बड़ा बेटा दुनिया को छोड़ करके गया तो गया, उसके बाद 3 पुत्र और दुनिया को छोड़ करके चले जाते। मोतिन आंगन में बैठी बिलख रही है, मर में विचार करती, जिसका एक बेटा मर जाता है उसके दिल पर हाथ रख करके पूछो उसे दुख कितना होता है, जिसके 4 बेटा दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अपनी पत्नी का हाल बेहाल देख करके बाबा जगजीवन साहब ने विचार किया, अब तो यहां पर एक पल भी रुकना अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। और बड़े बाबा जगजीवन साहब अपनी पत्नी मोतनी को लेकर के, अपने छोटे बेटा जलालीदास को लेकर के आज सरदा गांव छोड़ करके चल देते हैं। भक्तो, अरे लेके पत्नी बाबा चले दे सायं, हारे छोड़ के सरदा गाऊं जी, अरे धीरे धीरे सरदा गांव को छोड़कर धीरे धीरे साया कुटवारे बनमी होई, अरे है गई भैया सामाजी। जिस समय बाबा जगजीवन साहब कुटवा वन में जब आ गए तो कुटवा वन में बाबा जगजीवन साहब ने क्या देखा, कुटवा जो वन में एक वृक्ष पर गद को
अपना आसन लगा लेते हैं और उसी बरगद के नीचे बाबा निवास करने लगे। करना लागे करते रहे और धीरे धीरे बड़े बाबा का नाम चारों दिशाओं में फैलने लगा। संत शिरो जगजीवन साहब जी कुटबा बन में आकर के बरगद के वृक्ष के नीचे अपने आसन को लगा लेते हैं और वहीं पर बाबा बड़े बाबा निवास करने लगे और धीरे 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 भक्तों कुटबा धाम तैयार हो जाता है। जब बाबा जगजीवन साहब के आने के बाद में कुछ लोग सरदा गांव के भी आकर के कुटबा धाम में बस गए, धीरे धीरे कुटबा धाम बस जाता है। भगवत प्रेमियों और बड़े बाबा कुटबा धाम के बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम चारों तरफ विख्यात हो गया। बड़े बाबा ने सब संतों को गद्दीधरों को संदेश दिया और क्या संदेश दिया? सत्य पर चलने का। सत्य पर चलने का उन्होंने संदेश दिया और सबसे आग्रह किया, हर जोते हर भजे सत्य को दाना खाए, जग जीवन दास साची कहे सो बैकुंठ जाए। जगजीवन साहब ने सत्य पर चलने का आदेश दिया